जलवा टाइम्स सच के साथ एक कदम। आज संविधान दिवस पर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई को लेकर मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस पैदल मार्च में बहुजनों का ईवीएम और वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश देखा गया। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। मोदी सरकार तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बैलेट पेपर लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। बैलेट पेपर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संविधान को पूर्णतः लागू करो, लागू करो, लागू करो। संविधान दिवस की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूलों की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरों की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज तो ईवीएम बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैलेट पेपर लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार खबरदार, खबरदार, खबरदार। अरे ईवीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे ईवीएम हटाओ, दिल्ली बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जय 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 वे, जय भीम, जय भीम। ईवीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैलेट पेपर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अरे लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोटों की हेरा फेरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोटों की हेरा फेरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम और वीवीपैट को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, इसी के लिए हालिया हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज केवल दिल्ली में ही नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में है, रामपुर में है, मुरादाबाद में है, संभल में है, आपके अमरोहा में है, इसके अलावा बनारस में है और मेरठ में है, बुलंदशहर में है, आपके गौतम बुद्ध नगर में है। इसके अलावा जो है ये आंदोलन आज देहरादून में है, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे वगैरह में और कई जगह है। इसके अलावा कर्नाटका में बेंगलोर में है, हरियाणा में है और आपके इसमें मध्य प्रदेश में, भोपाल में और ग्वालियर वगैरह में कई जगह ये आंदोलन धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं। वकील साहब, एक सवाल इसमें ये आता है कि आपने इतने सारे शहरों के नाम बताए कि इतने सारे शहरों में ये आंदोलन हो रहा है, क्या चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठा हुआ है उस पे धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए इन सब लोगों को? देखिए, चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझें। चुनाव आयोग का जो काम है केवल चुनाव कराना है, कानून बनाना संसद का काम है। ये जो ईवीएम लागू हुई है जिससे चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसमें संशोधन करने के बाद बैलेट पेपर हटाया गया और ईवीएम को लाया गया। अब जो भी कुछ होगा वो संसद को ही करना पड़ेगा और वही संसद जो है एक्ट में बदलाव करेगी, संशोधन करेगी, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाएगी। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना और ये जन आंदोलन खड़ा करना, और जन आंदोलन जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा, पूरी पब्लिक जिस दिन सड़क पे आ जाएगी, आप निश्चित रूप से मानिए ईवीएम हट जाएगी। और हमारी कोशिश केवल यही नहीं है, आज ये भी है, आज हमारे साथ बहुत और भी संगठनों के साथी हैं, जैसे इंडियन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी फ्रंट जो है ये भी हमारे साथ में है। हमारे साथ में जो पहले मैम हाशमी जी हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 30 मई को सबसे पहले उन्होंने किया, वो भी हमारे साथ में है। हमारे साथ में इंडियन मुस्लिम मजलिस
करके वो भी संगठन है और बहुत सारे संगठन हमारे साथ में लगातार है। आपको रोकते हुए मेरा एक बड़ा कटु सवाल है, इससे पहले आपने जंतर मंतर पे लाखों लोगों की भीड़ के साथ में प्रोटेस्ट किया, महामहिम राष्ट्रपति को आपने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, क्या अभी तक उसका कोई जवाब मिल पाया राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि जो हमने RTI लगाई, पहली जो हमने ज्ञापन दिया था उसके विषय में तो ये इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो ज्ञापन है हमारा वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। आप इस चीज से इस गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार तो छोड़े कि राष्ट्रपति भी या राष्ट्रपति कार्यालय भी कितना असंवेदनशील बन गया है लोगों की जायज मांगों के विषय में और एक जायज समस्या के विषय में। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है लोगों को जगाना, हमारा काम है सरकार को जगाना और हम ये काम लगातार करते रहेंगे। सरकार तो सोई हुई है, फिर वो जागेगी कैसे? ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको पब्लिक चाहे और जगाए वो न जागे, निश्चित रूप से जागेगी। केवल यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई के उदाहरण है, इस देश में भी ऐसे उदाहरण है, बड़े बड़े तानाशाह हुए, सब जाग गए, सब साफ हो गए, इसी धरती पर सबको रहना है। हमारा काम जनता को जगाना है, हमें विश्वास है जनता भी जागेगी, और इस सरकार को जगाना है, ये सरकार भी जागेगी, और सरकार नहीं जागेगी तो सरकार सत्ता छोड़ के भागेगी। अभी हाल ही में चुनाव की अगर बात की जाए, 3 राज्य में चुनाव हुए और EVM के माध्यम से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो क्या झारखंड में भी ऐसा होने जा रहा है अभी इस चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से झारखंड में भी जो चुनाव हो रहा है EVM से ही हो रहा है, हम वहां भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग सड़कों पर नहीं आए हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, जरूर आएंगे लोग सड़कों पर। और ये चुनाव निश्चित रूप से आने वाले समय में EVM के बजाय बैलेट पेपर से होगा। हम दिल्ली में पूरी कोशिश करेंगे, जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है, अभी हमारे पास में 1.5 महीना है, हम पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली में EVM से चुनाव न हो। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से देखा जाए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर रात को 2 बजे राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है, 5 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है, क्या इस सरकार को कुछ चेतना चाहेंगे इस मामले में? इस सरकार को मैं क्या, पूरी दुनिया चेता रही है, आप मीडिया के सारे साथी चेता रहे हैं, जिस तरह से नंगा नाच सारे सिद्धांतों को ध्वस्त करके सारी नैतिकता को पूरी तरह से मिट्टी में मिला के ये सरकार रात के अंधेरे में शाम काम करे, चोरी है क्या, डर है क्या जो ये सब कुछ कर रही है? और अभी आज देखा आपने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल शाम तक का समय दिया है फ्लोर पर वो टेस्ट करने का, और कल ही आपने देखा शाम को कि जो 162 MLA तीनों पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे NCP के हों, चाहे शिवसेना के हों, वो सारे इकट्ठे थे, उस सब के बावजूद भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार इस समय की जो भाजपा सरकार है, सत्ता की कितनी हवस इसके अंदर है, मतलब सत्ता की भूख होती मैं मानता हूं, लेकिन सत्ता की हवस इसके अंदर है कि सारे सिद्धांतों को, संविधान को पूरी तरह से खत्म करके बस केवल सत्ता और सत्ता सत्ता ही चाहिए और कुछ नहीं। और आपने देखा कि 4 लोगों की ड्यूटी लगाएगी, मैंने न्यूज ट्रैक पर देखा अभिसार शर्मा वो बता रहे कि 4 लोगों की ड्यूटी लगाएगी, 2 NCP के 2 कांग्रेस के, विधायकों को तोड़ने के लिए 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की ऑफर की बात की जा रही थी, मतलब ये हाल कर रखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सत्ता को, इस सरकार को सत्ता की हवस है और हम चाहे कुछ भी हो जाए इस सरकार को हटा के रहेंगे। हम कह चुके हैं 2 साल के अंदर इस सरकार को हटाएंगे हम लोग। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।